यो बाबा आया है जैमी को लेने के लिए। जैमी ने अभी अपना विजडम टूथ निकाला है, मतलब कि जैमी और भी समझदार हो जाएगी। अब जब यहाँ पे आई, वैसे तो खुद भी आ सकती थी वो, पर बेचारी के दर्द हो रहा होगा तो मैंने सोचा मैं जाके ले आता हूँ, यू नो, एज योर बाबा इज सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न फियांसे। कैसा है? हाउ इट इज नाउ? पेनफुल? ड्रिंक समथिंग कोल्ड, मे बी ईट आइसक्रीम। वी हैव आइसक्रीम इन आवर फ्रिज। और अ शिट, श्योर? ओह, इट्स सो रेड। ओहो, डैमी की तो बैंड बच गई। अगर तुम लोगों ने मेरे लाइव स्ट्रीमिंग वाले चैनल को भी फॉलो नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके कर लो। बाबा जिंदा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक बटन भी ठोक दो। व्लॉग स्टार्ट हुआ है। व्हाट? सो वी कैन ऑर्डर बट वी कैन नॉट सेट। तो बंद होने वाला होगा ना, तो ऑर्डर करा सकते हैं कॉफी टेक अवे के लिए, बैठ नहीं सकते। मेनली रीजन बैठने का ये, चिल मारने का है। कॉफी तो बहुत ठूस ली ऑलरेडी मैंने। बाय द वे, अभी कल जो इंस्टाग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे फॉलो करता है, तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग आजकल काफी बार जा रहे हैं उस इटालियन रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के लिए। तो अभी फिर से हो रहा था, कल ही गए थे हम लोग, फिर से हो रहा था अभी जाने में, क्योंकि पिज्जा कुछ ज्यादा ही अच्छा है वहाँ का, तो वापस हो रहा था। पर इसी वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि बाबा ने वही सेम अटायर पहन रखी है जो कल वहाँ पे पिज्जा खाने गए थे, जो पहन रखी थी। तो हमने सोचा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि और लिटरली मैं नहाया नहीं हूँ ऑब्वियसली। कौन है ये लोग? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ले लिया तुम्हारे बाबा ने अपना डिनर, ऑफ कोर्स कपाव मुंह साफ। काफी टाइम हो गया कपाव मुंह साफ खाए हुए। हेल्दी होता है एक तरह से, यहाँ का तो सारा खाना मोस्टली हेल्दी होता है थाईलैंड। आराम से घर पे जाके चावल चढ़ाएंगे, मस्त कपाव मुंह साफ हमारे प्यारे सुअर को पे लेंगे और लाइव स्ट्रीम है फिर आज। जैमी लेने उतरी है पेन किलर्स, क्योंकि दर्द तो होगा भाई। और तुम लोगों को पता है मैंने व्लॉग बनाया था जब मेरा विजडम टूथ निकला था, तो क्या हालत हुई थी तुम्हारे बाबा की? ये डैमी ने 6000 बाट दिए दांत निकलवाने के। 6000 बाट कितने हुए भाई? 13000 रुपए लमसम। इतना महंगा। एक तो ये है ना, इसकी गलती क्या है, ये जाती है फैंसी एकदम अच्छे वाले डेंटिस्ट के पास। हम जाते हैं भैया एकदम जो नथुलाल आंटी होती है जिनकी मूछें होती हैं वैसे वाले, वो एकदम ऐसे पकड़ के निकालती है। दर्द होता है पर सस्ता बैठता है। डैमी जी जाती हैं एकदम यू नो फैंसी, जहाँ जहाँ पे दर्द कम होता है, यू नो एकदम डेलिकेट तरीके से निकालते हैं दांत। तो भाई आज बड़ी ही अजीब चीज हुई बाबा के साथ। मैं उठा एज यूजुअल, सब उठते हैं, बाबा भी उठा, कॉफी लेने गया। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल घर से, जा ही नहीं रहे ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल घर से। मेंटल स्टेट देख रहे हो बाबा की कहाँ है? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बाबा उठा, कॉफी लेने गया एज यूजुअल। यू नो मैं पैदल चल के जाता हूँ आंटी जी से कॉफी लेता हूँ, कॉफी वाली आंटी जी। रास्ते मुझे लगा गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है। थाईलैंड में ठंड पड़ने लग गई, गर्मियां नहीं रही। तो मैं नहाने के लिए गया, मैं बाहर गया अपने कपड़े लेने के लिए, और भाई ऐसी गर्मी में मतलब एकदम से, ये क्या हुआ भाई एकदम। अभी तो अभी थोड़े कुछ घंटे पहले तो मस्त मौसम हो रहा था और एकदम से इतनी गंदी गर्मी। फिर बाबा ने अपना 200 IQ लगाया और फिर बाबा को रियलाइज हुआ कि जब मैं कॉफी लेने गया था तब साला 6:30-7 बज रहे थे सुबह के, तो सुबह तो वैसे भी इतनी धूप रहती नहीं है, तो अच्छा अच्छा मौसम था। अब ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों रियलाइज नहीं हुआ कि 6:30-7 बज रहे हैं? क्योंकि मेरा स्लीपिंग साइकिल इतना खराब हो चुका है आजकल। मैं रात को सुबह ही मान लो 3-4 बजे सो रहा हूँ लाइव स्ट्रीम खत्म करके मेरे दूसरे चैनल पे, जो कि है बाबा जिंदा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, जाके लाइव आता है बाबा, रोज आ रहा है अब तो लाइव है, ग्राइंडिंग पूरी चल रही है भाई। तपती धूप में आंखें खुलते ही कॉफी चाहिए होती बाबा को, तो मैं मग्गा उठाता हूँ अपना, कॉफी लेने जाता हूँ 11-12 बजे, और गंदी गर्मी रहती है। पर इतने टाइम बाद मैं सुबह उठा 6:30 बजे, काफी टाइम बाद, और मैं गया कॉफी लेने, तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी यूज टू हो गई थी ना कि सुबह उठो कॉफी लेने जाओ तपती धूप में। मुझे मेरा ब्रेन ने प्रोसेस ही नहीं किया जब तक कॉफी का
चुस्की नहीं जाती है पहले अंदर, तो ब्रेन प्रोसेस नहीं करता बाबा का। तब मुझे रियलाइज हुआ शिट, मैं सुबह के टाइम पे गया था कॉफी लेने। नॉर्मली मैं 2 हफ्ते से दिन में जा रहा था कॉफी लेने के लिए, अपनी फटी हुई चटनियां जहां पे सुखा रखी है बाहर, वहां से उतारने गया बाबा। तब पता लग गया कुछ नहीं बदला है, वही 40 से ऊपर टेम्परेचर है, इट फील्स लाइक 50। बाहर मत निकलो, आत्मा बाहर निकल जाएगी। दिन भर में 2-3 बार नहा रहा है बाबा, एसी भी कुछ नहीं कर रहा है, अभी फुल ब्लास्ट पे लगा रखा है। ऑलरेडी मेरी टांट में पसीना स्टार्ट हो गया है, मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, पसीना दिखा रहा हूं, जस्ट टू क्लियर आउट, क्योंकि कमेंट में होंगे ऐसा चूतिया बनाता है ना दुकानों में। लैमिनेट लिया, 2 चुस्की मारी, खत्म, पूरा बर्फ से बड़ा था। और साइज देखना ग्लास का, 2 सिप्स एंड इट्स डन, डैमी मैं क्या चुछ। बाकी तुम लोगों को एक अच्छी न्यूज देनी है, बुरी भी देनी है, तुम्हारे बाबा को थाईलैंड छोड़ना पड़ सकता है, यह है बुरी न्यूज। अब उससे बचाव कैसे हो सकता है, वो है एक अच्छी न्यूज। तुम लोगों को मैंने बताया था कि कोर्ट मैरिज के हम लोगों ने काफ़ी यू नो चीज़ें जानी, रूल्स वूल्स जाने, क्या क्या कलेक्ट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, वो इसलिए चल रहा था इस वजह से ही, क्योंकि अगर मुझे थाईलैंड अब रहना है, अभी वो चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है, पर अगर हुई तो मेरा प्रेडिक्शन है तो मुझे फिर डैमी से शादी इस साल ही करनी पड़ेगी। और अगर वो चीज़ हुई तो, अगर नहीं होती वो चीज़ जो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता क्योंकि अभी मैं स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं वो चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिक में, बस समझ जाओ, समझदार हो तुम लोग, समझ गए होगे। अगले साल हो या इस साल हो क्या फ़र्क पड़ता है, शादी हो रही है बाबा की डैमी से, इस साल कर लूँगा मैं। अगर वो सिचुएशन आ जाती है तो मैं ऑब्वियसली उसका ब्लॉग बना के डाल दूंगा, क्या रीज़न हो रहा है क्योंकि थाईलैंड छोड़ के जाना पड़ेगा बाबा को। मैंने सोचा है कि अभी मैं हफ्ते में 1 ब्लॉग डाल रहा था, ठीक है, अब से मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में 2 ब्लॉग डालूँ, या तो एक IRL करूँ हफ्ते में, लाइव करूं स्टे आवारा पे इस चैनल पे। तो अब से हफ्ते में या तो 2 व्लॉग आएंगे पहले की तरह, या तो 1 व्लॉग तो आएगा ही संडे को जैसे अभी आया, और एक लाइव भी होगा। बाकी जो बुरी न्यूज है, अब देखते हैं भाई क्या होता है उसका, अगर हुआ तो आई एम प्रिपेयर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने बाबा को तो जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम हैंडल चेंज कर दिया मैंने, stayavara_ से बाबा इज आवारा कर दिया इंस्टाग्राम का हैंडल, जाके फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में या फिर लाइव में, गीली पुच्चियां सबको। ये भी कमेंट करके बताना कि पुरानी इंट्रो के बारे में काफी लोग कुछ बोल रहे थे, क्या वापस चाहिए पुरानी इंट्रो? जो वेलकम, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा।